अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सप्तन। आज के प्रोग्राम में जिन अहम मौजूदात पर हम बात करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते चले। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दुबई में पीपल्स पार्टी के आला सतह इजलास में वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई काबीना में की जाने वाली तब्दीली के फैसले से मुताल्लिक। पीपल्स पार्टी को इन तब्दीलियों की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इस इजलास में दीगर क्या अहम फैसले किए गए, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के नए अराकीन की तकरारी के मुताल्लिक। हुकूमत और अपोजिशन ने नामों की हतमी चार नामों की हतमी मंजूरी दे दी है, लेकिन एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए जो नाम पेश किए गए उस पर इख्तिलाफ आया है पीटीआई की जानिब से। अब इस इख्तिलाफ की वजह क्या है और तहरीक इंसाफ को क्या मुतमइन किए बगैर इलेक्शन कमीशन के इन अराकीन की हैसियत मुतनाज़े हो सकती है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब के दफ्तर के बाहर होने वाले एहतजाज और इसहाक डार के खिलाफ पिटिशन दायर करने के हवाले से, और इसके साथ हम बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात मौजूद है, जो धड़े बंदियां हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जाने वाली जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसको किस हद तक ये मुतासर कर सकते हैं, क्या इमरान खान इन इख्तलाफात पर काबू पाते हुए पार्टी को मुनज़्ज़म रख सकेंगे, ये हमारा सवाल होगा। आगाज करते हैं प्रोग्राम का और बात करते हैं सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने जहां वज़ीर आला सिंध समेत सिंध काबीना में तब्दीली लाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी को 3 साल बाद इस फैसले की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या इन तब्दीलियों से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में भी तब्दीली आएगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा साहिबा। शहला रजा साहिबा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जहन में बहुत से सवाल है, क्यों जरूरत पेश आती है 3 साल के बाद पीपल्स पार्टी को? अब 1.5 साल रह गया, गुजर जाने देते ये वक्त भी, क्यों इस वक्त इस चीज की जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस हुई है? बहुत शुक्रिया महरी। पार्टी लीडरशिप के अपने फैसले होते हैं, उसमें वो किसी एंकर के फैसले को नहीं सुन सकते, उनका अपना तरीक़ेकार होता है। और ये तब्दीली काफ़ी दिन से मुतवक्को थी, लेकिन क्योंकि एक तो बजट का भी मामला था, उसके बाद चेयरमैन की अपनी मसरूफियत थी कश्मीर और इसकी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो रही थी, वरना बजट से पहले ये मुतवक्को थी। क्योंकि सीएम सिंध भी काफ़ी अरसे से वो अपने तौर पर ये कह रहे थे कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनकी सेहत का मसला है, लेकिन क्योंकि बजट भी सर पे था और उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात, तो ये सब देखते हुए इसको ज़रा आगे कर दिया गया था। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि एक बेहतर वक्त है कि जिसमें ये फैसला किया गया। शैला रजा, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो पीपल्स पार्टी जो इस तब्दीली की वजह शायद बयान करना चाह रही है या जो मंजर आम पर लाना चाह रही है, वो बज़ाहिर कायम अली शाह साहब की सेहत है सिर्फ? नहीं, अगर बज़ाहिर उनकी सेहत होती तो सिर्फ ये होता कि इन हाउस एक वज़ीर आला ही तब्दील हो जाते और दूसरे मिनिस्टर्स उसी तरह रहते, और काबीना में भी तब्दीली लाई जा रही है। आला जब रिजाइन करते हैं तो उनके साथ जो है वो उनकी कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उसको दोबारा भी लिया जा सकता था उसी तरह। लेकिन इसको काफ़ी दिन से ये अंडर कंसिड्रेशन था, और अगर आपको याद होगा तो थोड़े दिन पहले भी तकरीबन रमज़ान के से पहले भी ये पूरी खबरें चली थी कि ये सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बजट सर पे था, फिर उसके बाद बीच में एक वेव आई थी, लेकिन कल हमें पता चला कि वो वेव आ ही गई तब्दीली की और ये हो रहे हैं तब्दील। चले आ ही गई, वो तब्दीली आ ही गई पीपल्स अंदर। शैला साहब, ये भी बता दें, जो कहा जा रहा है कि बिलावल की टीम बनाई जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो वो अपनी टीम लाना चाह रहे हैं, और इसी सिलसिले में वो दुबई भी गए, मुशावरत हुई, आपस में बातचीत हुई, अब कोई तब्दीली मुतवक्के है मजीद, ऐसा भी कुछ है? देखिए, चेयरमैन ने बैठ के जब से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं, बड़ा सीरियसली और डीपली ऑब्जर्व किया हर एक की जो परफॉर्मेंस थी, और उसके अलावा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश की तो उसको भी बुला के बड़ा सीरियसली उन्होंने उसकी स्टडी की। तो आप ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब वो परफॉर्मेंस से नाला थे, वो खुश नहीं थे?
मतलब हम लीडरशिप को ये नहीं कह सकते कि वो नाला थे या खुश थे. वो हो सकता है किसी को अपने तौर पे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हो कि ये चीज़ मुझे इधर रखनी है, इस शख्सियत से इधर मैं काम ले सकता हूँ. तो क्योंकि जब आप पार्टी डिसिप्लिन में होते हैं तो लीडर का फैसला ही लीडरशिप कहलाता है ना, कि आपने उसको ओबे करना होता है. तो अब अगर वो ये समझते हैं डीपली ऑब्ज़र्व करने के बाद कि किसको कहाँ पे लगाया जाए, तो ये पार्टी उनकी है, उनका अपना डिसीशन है. और हम सोल्जर हैं, हम यस कहेंगे. अच्छा, सोल्जर्स यस कहते हैं, सोल्जर्स वजह नहीं पूछते. शैला, जो ये बातें की जा रही थी कि जो तरीक़ाकार है कायम अली शाह साहब का, जो तर्ज हुक्मरानी का तरीका है उनका, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ खास पसंद नहीं था. क्या इन बातों में कोई सदाकत है? देखिए, क्योंकि मुझे ये शर्फ है कि मैं चेयरमैन से एक साल से रोज़ाना मिलती हूँ. उनका हमारा अपना एक सिलसिला होता है जिसमें हम मिलके काम करते हैं, तो उसमें कभी वज़ीर आला साहब इस तरह से मौजू नहीं हुए. और एक शख्स जो कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आला बना हो, उसकी दो दफ़ा की परफॉर्मेंस की वजह से उसको वज़ीर आला बनाया जाता है, उन पे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख़ुद वो भी नहीं चाह रहे थे. यही तो हम भी कहते हैं शैला, यही बात तो हम भी कहते हैं कि बहुत सारी बातों में वो बड़े मुख्तलिफ है. और जरदारी साहब जो है उनकी बड़ी तारीफ भी करते रहे, और उसके बाद एकदम से ये फैसला आना, ये काफ़ी खटक रहा है लोग के जहनों में. इस हवाले से बहुत से सवाल भी है. नहीं, लोग तो जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के हैं वो अपने तौर पर उनको निशाना बनाते थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो एक ज़ीरक एक्सपीरियंस्ड शरीफ़ुन्नफ्स सियासतदान हैं. और ख़ुद उनकी बेटी साहिबा भी जो हैं, अगर आप देखें तो वो बहुत ही अच्छी MNA भी हैं. तो ऐसा कोई मसला नहीं है. वो ख़ुद ज़रा अब रिलैक्स करना चाहते हैं. और अगर वो ख़ुद रिलैक्स करना चाहते हैं तकरीबन एक साल से, तो ये वक्त था कि क्योंकि अभी बजट के बाद एक सेशन ऐसा होता है कि आप एक रिलैक्सिंग टाइम में होते हैं तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं. तो ये इसलिए है. अदरवाइज़ मैंने भी कोई उनकी बुराई या उनसे कंप्लेन रिलेटेड मैंने चेयरमैन से नहीं सुनी. चलें ठीक. तो शैला, और कौन कौन हो सकता है जो कि आपकी पार्टी की ज़ुबान में जिसे हम कहें कि रिलैक्स होना चाहता है और आप उसको रिलैक्स कर देंगे, कौन कौन जा रहा है और कौन कौन आ रहा है? ऐसा कोई भी नहीं है. हाँ, मिनिस्ट्री में चेंजेस ज़रूर होंगी. और यकीनन कुछ लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो एक अच्छे मैंडेट से जीत कर आए, और सीनियॉरिटी भी होती है, उसके हिसाब से मिनिस्ट्री दी जाती है. लेकिन कुछ लोग अपने तौर पे मिनिस्ट्री में खुश नहीं होते, कुछ लोगों की परफॉर्मेंस होती है जिससे लीडरशिप जो है वो दोनों चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करती है. तो इसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, और देखना होगा. और अच्छा, एक दिलचस्प मंज़र होगा हमारे लिए इन हाउस इस तरह की चेंजेस आना, एक नया एक्सपीरियंस होगा. देखेंगे क्या होता है. तो शैला, इस वक्त जो ये तब्दीली आ रही है और जो तब्दीलियाँ आप लोग लाएंगे काबीना में, कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं. हमें तो ये भी सुनने को मिला है कि स्पीकर से असेंबली भी तब्दील किए जा सकते हैं. तो ये सोचा जा रहा था कि शायद कोई तर्ज हुक्मरानी में तरीका वारदात तो मैं से नहीं कहूँगी, लेकिन काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस नजर आएंगी. लेकिन आप तो कह रही है कि जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाए रखी वो बहुत ही पसंदीदा है, बहुत सही है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है. तो फिर आने वाले दिनों में हम किस तरह का चेंज देखेंगे? कोई हालात बेहतर होंगे? ये चेंजेस लाने का मकसद तो कुछ बड़े चेंजेस लाना मकसूद होता है ना? देखिए, हुकूमतें तो आईनी तरीके से चलाई जाती हैं और जो आईन कहता है, लेकिन हर शख्स जो है वो अपने तरीके से अपनी मिनिस्ट्री को लेके चलता है, हर मिनिस्टर. और यकीनन कि जब उसमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में चेंजेस आएंगी तो आने वाले में ये ऑटोमेटिकली कंपटीशन आएगा कि उसकी परफॉर्मेंस पहले वाले से बेहतर होनी चाहिए, या उसने अगर ये जगह बदली है तो मुझे बदलना चाहिए. और जो ओवरऑल एक अगर बात की जाए तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर के साथ लेजिस्लेशन के अलावा आप
अपना जो एक सुबह की आमदनी होती है उसमें नए तरीके करना, तो मैं समझती हूँ लेजिस्लेशन में सिंध फर्स्ट है। और इसके बावजूद कि हमें वफाक से दोनों साल हो गए एनएफसी का और ड्यू शेयर जो हमारा है वो पूरा नहीं मिलता, हमारी डेवलपमेंट सफ़र कर रही है, लेकिन हम वाहिद सूबा हैं जो 20% अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और हमारे यहाँ हमने लास्ट गवर्नमेंट में भी जो है 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, और इस साल भी हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां दे रहे हैं। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी पंजाब से ज़्यादा है, देही और शहरी दोनों। और इसके अलावा जब हम आए थे तो हमारी पुलिस का बजट 9 बिलियन पे था, लेकिन आज माशाल्लाह 45 से अबव है, और जो 2.5 से 3 लाख उन्हें शहादत की शक्ल में मिला करते थे अब 20 लाख मिलते हैं। गुज़श्ता कारकर्दगी को अगर देखते हैं और उस कारकर्दगी के दौरान हम देखते हैं कि वो कराची जैसे बड़े शहर में 3 दिन के अंदर चेंजेस आने की बात करते हैं और नहीं ला पाते हैं, और इस तरह के काम करना या इस तरह की बातें करना, जबकि वो मतलब माशाल्लाह 8 साल तो हो ही गए उनको इस पोस्ट पर, उसके बावजूद वो ये नहीं जानते कि कराची जैसा बड़ा शहर जो है वो 3 दिन के अंदर उसकी मुकम्मल सफाई जो है वो मुमकिन है भी कि नहीं है, और फिर वो उसको नहीं जब शो कर पाते तो फिर उसके बाद क्या सवाल। बिल्कुल मुमकिन है, देखती रही होंगी ये, इससे बता दीजिएगा। जी जी हाँ महरीन, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हुकूमत का काम है डीएमसीज़ को बजट देना, और डीएमसीज़ को बजट प्रॉपर मिल रहा है, उनके पास मुलाजमीन हैं, लेकिन क्योंकि कराची में का मैंडेट जो है वो किसी और पार्टी के पास है और वो उनके एम्प्लॉय हैं, तो उनको एक मसला है कि उनके जो बल्दियाती मेंबर्स जीत के आए हैं उनको इख्तियारात नहीं मिल रहे, जो कि अभी पूरे तीनों सूबों में नहीं मिले हैं, और जिसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई पार्ट भी नहीं है, रोल नहीं है, तो वो एक तरीके की एक बहस है, वरना ना तो फंड की कमी है और ना ही ऐसी बात है कि लोग नहीं है और सिस्टम नहीं है। ये तो बात वही होगी कि एक दूसरे के ऊपर हम डाल दें काम, तो वही का वही आवाम काम मांगती है, लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग बेहतरी चाहते हैं, हम एक दूसरे इदारे के ऊपर से बात डाल देते हैं। लेकिन चले, आपका बहुत शुक्रिया। फौज के डगर पर ही चल पड़ी है कुछ हमारी सियासी जमातें, और जिस तरह फौज में हर बात को यस किया जाता है, यहाँ पे भी यस कर दिया जाता है, बहुत ही हैरानकुन बात होती है जब उसी पार्टी की आला क्यादत जो है, जो रहनुमा है, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी पार्टी इस वक्त क्या डिसीजन लेने जा रही है या ले चुकी है। जैसा कि कमर जबान कायरा साहब से जब गुज़श्ता रोज़ बात की समाने, तो उनको ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह का कोई डिसीजन होने जा रहा है। इसी के साथ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो दूसरे अपने अहम मौजू की जानिब हम बढ़ेंगे। पार्लियामानी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के नए अराकीन की तकर्री के मुतालिक हम बात करेंगे। एक बार फिर PTI जो है उसने एतराज़ कर दिया है 2 मेंबरान के हवाले से, इसके बाद इस जो मेंबरान की सिलेक्शन हुई है उसका क्या स्टेटस रह जाएगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या PTI इस पर भी प्रोटेस्ट करेगी, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। आज पार्लियामानी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के नए अराकीन की तकर्री के लिए 4 नामों की मंजूरी दे दी गई। एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अराकीन के नामों पर इख्तलाफ किया है। इलेक्शन कमीशन के नए अराकीन की तकर्री हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, और क्या वो इस चैलेंज से कामयाबी से नबरत आजमा हो सकती है, क्या तहरीक इंसाफ को मुतमिन किए बगैर, इट्स अ बिग क्वेश्चन, कि इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री से शफाफ इंतखाबात का निकाद यकीनी बनाया जा सकता है, क्या एक बार फिर हमें शोर और हंगामे दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन के ये नए अराकीन किस हद तक गैर मुतनाज़े और गैर जानबदार साबित होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं आज चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उज़्मा बुखारी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। आगाज करते हैं बात का, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं जाज चौधरी साहब। एक बार फिर हमने देखा PTI ने शोर मचाया, दोबारा से उनकी तरफ से कहा गया कि 2 नामों पर हमें इख्तलाफ है, क्या अंजाम होगा इसका? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो शोर मचाया लफ्ज़ ज़रा ज्यादती है, ज़ाहिर हम जोड़ दिया गया PTI के साथ, कमेंट करते हैं, तबसरा करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, एहतजाज करते हैं,
ये असल में चूंकि मैंडेटरी है अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मशावरत के नतीजे में ये तकर्रियाँ होनी है, और अपोजिशन लीडर दर हकीकत ज़ाहिर है एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, ज़ाहिर अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर सीटों के एतबार से तो ज़ाहिर है उनके बाद ही हमारा नंबर आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वोटों के एतबार से हम दूसरी बड़ी सियासी जमात हैं पाकिस्तान की जो 2013 के इलेक्शन हुए। तो चुनाचे हम ये समझते थे कि कम अज़ कम जो नाम हमने पेश किए हैं वो वहाँ पर कमेटी में ज़ेर बहस तो आते। ये जो दो नामों की बात हम कर रहे हैं ना, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, ये नाम ज़ेर बहस ही नहीं आए। ये है बात जिस पे ज़ाहिर है मतलब लीडर ऑफ द हाउस के नुमाइंदा भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी ज़ेर बहस ना आए का मतलब क्या हुआ? हर हर पार्टी अपना नाम देती है, नाम दिया, फिर वो नाम तो आप सिलेक्ट किए गए, तो फिर वो नाम आते हैं, और चूंकि लिख के तो खुर्शीद शाह साहब ने देने थे ना, तो वो हमारे वाले जो नाम थे वो लेकर नहीं गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब ने उन नामों का तस्करा ही नहीं किया। अच्छा, जो जेरे बहस आना चाहिए। आप तो उनके साथ ऑपोजिशन, एक तरह की अलायंस ही आप लोगों की बनी हुई है, और यहाँ पर ये क्या मामला है फिर? मेरा ख्याल है जो फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, और आपको पता है परवेज ऋषि ने तबसरा क्या किया है, उन्होंने भी यही कहा है कि इमरान खान का गिला जो है खुर्शीद शाह से बनता है। चुनाचे मैं समझता हूँ कि परवेज रशीद साहब ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। अगर सेंस देखें आइन की, तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन एक फर्द नहीं होता। लीडर ऑफ द अपोजिशन जिस तरह यानी पूरी अपोजिशन को साथ लेके चलता है ना, जिस तरह लीडर ऑफ द हाउस अकेला आदमी नहीं है, पूरा इंस्टीट्यूशन है। सिमिलरली उसमें मैं समझता हूँ कोई इरादा रखते हैं आप इस हवाले से प्रोटेस्ट करने पर, यानी कि कायम अली शाह साहब से? आप तो हुकूमत को एक साइड पे रख देना, अब उनके साथ आपका मामला गर्म हो गया, पीपल्स पार्टी के साथ आपका मामला। मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं कभी पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक अलग सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ एक अलग सियासी जमात है, उनके अपने सियासी मफादात हैं, हमारे अपने सियासी मफादात हैं। हम ये समझते हैं कि खुर्शीद शाह साहब को भी उतनी ही जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था जितना परवेज रशीद को। दोनों में फर्क नहीं हम कर रहे हैं। अगर देखे ना, वो भी कह सकते थे कि क्या शाह साहब इसमें तहरीक इंसाफ की इनपुट शामिल है। सही, जब सही। नहीं शामिल, मैं उस्मा की तरफ तो भी जाऊंगी, लेकिन आपसे एक सवाल करूंगी कि यहाँ पर ही अगर आप लोग के मामला इस तरह से है, तो फिर वो जो आगे मामला आप लोगों ने साथ चलाने हैं, वहां पर आप क्या देखते हैं कि वहां पर भी अगर इसी तरह से उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर देखिए आप लोग के कितने तहफ्फुज़ात हैं? अर्ज करता हूँ, हर सियासी जमात को जो भी वो एक काम कर रही होती है उसे अंदाजा होता है कि उसके माइनस और प्लस क्या है। ये एक वन पॉइंट एजेंडा है जो एंटी करप्शन है, पैनामा लीक्स के हवाले से जो हम लेके चल रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी। ये भी एंटी करप्शन ही है ना, आपके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान सही होंगे तो फिर आपके बाकी सारे मामला सही चलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना है, वहां से वापस आते हैं, इस बात को यहीं से बढ़ाएंगे।